लाला रोशन लाल जी, थप्पड़ स्पेशलिस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया, बात करने की तमीज नहीं। लाला जी के घर में चला गया, लाला जी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मैंने कहा लाला जी हुआ क्या? यार होना क्या है, मैंने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला, अंदर इतना बड़ा सांप बैठा हुआ। मैंने कहा माय गॉड, फिर आपने क्या किया? मैंने क्या करना था, मैंने कहा भाई तुझे जल्दी है, पहले तू कर ले। बड़े अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। लाला जी चले आ रहे थे, पूछा लाला जी कहाँ से आ रहे हो? मर्डर फिल्म देख के आ रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा कैसी लगी मर्डर? बहुत अच्छी लगी है, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने कहा ये फैमिली वाले तो बोल रहे हैं अच्छा काम नहीं किया, गंदा काम किया है। नहीं, फैमिली में बैठ के देखोगे गंदा ही लगेगा। अकेले अकेले। अच्छा ये बताइए, आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा? नहीं, सारी फिल्म अच्छी हैं, एक बात मुझे बड़ी गलत लगी। मैंने कहा कौन सी? यार वो गाना नहीं आता जो भीगे होंठ तेरे सारी रात गुजारूं कल सुबह तक परसों तक, वो वाला? मैंने कहा हाँ वो, कल सुबह तक करूं प्यार। हाँ, वो लड़का बोल तो रहा था सुबह तक करूं प्यार, पर उसकी हरकतों से लग रहा था परसों चौथ तक छोड़ने वाला नहीं वो। बहुत पैसा है। फिर बोल रहे दूसरा, यार उसमें टेक्निकल फॉल्ट लगा मुझे फिल्म में। मैंने कहा क्या? अच्छा उस गाने में पहली पप्पी उसने सनसेट पे ली है, दूसरी पप्पी किसी की टैंकी पे ले गया उसको, तीसरी पप्पी बीच पे जाके ले रहा है। यार भगवान का खौफ करो, अगर किसी की बच्ची के साथ सेटिंग हो ही गई, डिंडोरा क्या पीट रहे हो यार? मैंने कहा लाला जी इसी वजह से मुझे इमरान हाशमी अच्छा नहीं लगता, जिसको जी में आए किस कर देता है। नहीं नहीं, लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा खाक अच्छा है, जिसको जी में आए चुम्मी ले लेता है। नहीं नहीं, वो अच्छा काम करता है, वैसे भी औरतों का मुंह बंद करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। मैंने कहा लाला जी वैसे जो भी है, इमरान हाशमी की किस्मत बड़ी अच्छी है। होगी क्यों नहीं भाई, भगवान का बड़ा लाडला बच्चा है। मैंने कहा वो कैसे भी लाडला बच्चा कैसे? अजी देखो, जब भगवान ने दुनिया बनाई थी ना, उसने इधर उधर देखा, बड़ी अच्छी दुनिया बन गई है, बड़ी खूबसूरत बन गई है। इमरान को आवाज़ लगाई, बेटा इधर आओ, दुनिया बन गई है, काफ़ी खूबसूरत बन गई है, जाओ जाके चूमो चाटो। आजकल न्यूज़ वाले बात को बड़ी बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है इनके पास न्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, न्यूज़ बनाने वालों की भर्ती करेंगे ये लोग। चाहिए कुछ प्रशिक्षित बच्चे जो गड्ढे में गिरना जानते हों, हमारे हॉरर शो के लिए एक लाश जो बोलती हो, डराते हैं लोगों को खबरें सुना सुना के, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है, बच्चे को लगता है ब्रश नहीं कर रहा, दांत तीखे कर रहा है, शाम को मम्मी के गले में घुसाएगा। खबरें कैसी सुनाएंगे? ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे किया एक औरत ने अपने पति का कत्ल। ये पता नहीं चलता कि न्यूज दिखा रहे हैं कि बीवियों को उनके पति मारने के तरीके बता रहे हैं। ऐसे एक एंकर पे सिद्धू पाजी को गुस्सा आ गया, बोलते बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते, उसको छोड़ूंगा नहीं। राजू पाजी आप अक्सर देखते हो, जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगता आप देखते हो, जो नहीं अच्छा लगता चैनल बदल देते हो, लेकिन एक ऐसा एंकर आता है आतंकवादी से लगता है, रात को 11 बजे आएगा, डरा धमका के आपको अपनी न्यूज दिखाएगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए, आदमी ऐसे उठ जाता है। सिद्धू पाजी को गुस्सा आ गया, बोले यार इसकी टांगे तोड़ूंगा। इतनी लंबी लठ लेके, इतनी मोटी लठ लेके उसके स्टूडियो में पहुंच गए। अब शूटिंग चल रही थी बेचारे की, जाते ही लठ जोर से उसके घुटनों पे मारी। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सुन्न कर देती है, ऐसा सुन मेरी टांग सुन्न कर दी यार। मैं इधर सनसनी से सुन्न कर रहा था, इसने मेरी टांग सुन्न कर दी। ये सरदार जी कौन है? अरे गुरु तुमने मुझे नहीं पहचाना। ओ तो तुम हो, मैंने पहले भी टीवी पर कई बार तुम्हारी हंसी देखी है, कहो कैसे आए हो? गुरु आज बड़े पिटोगे, टांगे तोड़ दूंगा लठ मार मार के। अब वो डर रहा है सिद्धू पाजी से, अब सिद्धू पाजी को अपना अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। किस मास्टरमाइंड ने तुम्हें यहां भेजा? तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। गुरु आज नहीं छोड़ूंगा, पिटोगे आज, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें मक्खन क्यों लगाऊंगा, तुम कोई आलू वाले परौठे हो?
और ये क्या गुरु गुरु लगा रखा है? बात बात में गुरु गुरु गुरु, मुझसे क्या तबला सीखा तुमने? गुरु आज पिटोगे, आज पिटोगे, सारी शूटिंग लटके साय में होगी, जब तक कोई अच्छी खबर नहीं सुनाओगे, सही खबर नहीं सुनाओगे पिटोगे। ठीक है फिर शुरू करते हैं, शुरू करें। पहले तुम बजा लो। दोनों तरफ सरदार घेर के बैठ गए हैं मुझे, एक तबला बजा रहा है, दूसरा सरदार मेरे कान के नीचे बजा रहा है। खैर ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, एक्शन। अरे यार तुम्हें नहीं, कैमरामैन को बोल रहा था यार। एक सुनसान घर में एक अकेली औरत, औरत ने चक्कू उठाया और जैसे ही उसने चक्कू उठाया, चक्कू उठाते ही क्यों मार रहे हो? औरत ने चक्कू उठाया, चक्कू उठाने के बाद क्या हुआ गुरु ये बता। बता रहा हूं, जैसे ही उसने चक्कू उठाया और चक्कू उठाते ही आगे क्या हुआ? उसने गोभी चीरनी शुरू कर दी। मार क्यों रहे हो यार? गुरु ये कोई खबर हुई? अकेली औरत, औरत ने चक्कू उठाया और गाजर काटनी शुरू कर दी। गाजर नहीं गोभी, हमारा मीनू चेंज मत करो। गुरु अगर गाजर की जगह गोभी भी काटी तब भी कौन सी खबर बनी? खबर नहीं बनी तो क्या हुआ, सब्जी तो बन रही है ना। पूरी खबर तो सुन लो यार। जैसे ही उस औरत ने गोभी बनाई, ऐन मौके पर उसका पति आ धमका। ये सनसनी चल रही है। उसके पति ने आते ही जैसे ही उस रहस्यमय गोभी का पहला निवाला मुंह में डाला, फिर क्या हुआ गुरु? उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, बोला यार इतना नमक क्यों मार रहे हो? इतनी लंबी बात के बाद नमक की बात, ये कोई खबर बनी? क्या यार खबर खबर खबर, उनके घर में क्लेश पड़ा, तुम्हें खबर की पड़ी है। अभिषेक की शादी में हुआ खड़ा बवाल, मुझे क्यों घूर रहे हो, मैंने थोड़ी किया है। अभिषेक की शादी में हुआ बवाल, कैसे खड़ा हुआ बवाल बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, सनसनी अभी जारी है। बैठिए बैठिए, ब्रेक भी नहीं लेने दे रहे, बैठिए। मुझे जाने दो भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं जाने दूंगा, एक सही खबर सुना। मल्लिका ने पहने, अब क्यों मारा? गुरु बकवास कर रहा है, मल्लिका ने पहने, मल्लिका तो पहनती ही नहीं। पहले पूरी खबर तो सुन लो। मल्लिका ने पहने कुछ गहने और बस ऐसे ही चली गई। मेरे पास और कोई खबर नहीं, मुझे जाने दो भाई। देखा गुरु, चांदी के बर्तन से कभी सोने की खनक नहीं आती। तो आएगी भी कैसे, जब बर्तन ही चांदी का है, सोने की खनक कैसे आएगी? मुझे जाने दो भाई। गुरु आज नहीं जाने दूंगा तुझे। जाने दो, उसे ब्रेक पर नहीं जाने दे रहे। जाने दो गुरु, जाने दो, क्या करते हो यार? नहीं जाने दूंगा। जाने दो यार, क्या कर रहे हो? नहीं जाने दूंगा। जाने दो, नहीं जाने दूंगा। रहने दो, ब्रेक यहीं पर हो गई है।